नमस्कार दोस्तों टुडे वी विल टॉक अबाउट द फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और एमबी स्टैटिस्टिक्स देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बूस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इट वॉज साइंटिस्ट जो मेन इसमें दो साइंटिस्ट थे एक एनरिको फर्मी एनरिको फर्मी और दूसरे साइंटिस्ट थे पॉल डिवाइस पॉल डराक पॉल डिराक तो ये जो दो लोग थे फर्मी एंड डिराक उन्होंने मिलकर के एक अलग तरह के पार्टिकल्स जिनको आप फर्म्योन्स कहते हैं फर्म्योंस कहते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग तरह का स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो डेवलप किया जिसको हम फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स जो है हाँ वो कहते हैं तो हम फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कंसिडर कर लेते हैं कि लेटर स्पूस वी हैव फर्स्ट एन पार्टिकल्स है हमारे पास एन इन एन इन और वी कैन आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एडेंटिकल हैं जिनको हम अलग अलग से पहचान नहीं सकते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे हैव हैव डेफिनेट 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 एनर्जी है इनकी इनकी डेफिनेट मोमेंटम हैक्यूपाई ऑकुपाई डेफिनेट पोजीशन, ऑक्यूपाई डेफिनेट पोजीशन, ये एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड पोजिशन जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं तो ये जो हमने पार्टिकल्स लिए हैं इन पार्टिकल्स को वी कैन रिप्रेजेंट एज फेस पॉइंट फेस पॉइंट यदि हम फेस स्पेस की बात करें जिसमें मोमेंटम और पोजिशन स्पेस होता है तो क्योंकि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं इनडिस्टिंगबल है उनको आप अलग अलग डिफाइन uh, नहीं कर सकते पहचान नहीं सकते तो उनको हम डिफाइन करने के लिए ऐसे जस्ट डॉट लाइक पॉइंट जो है वो मान सकते हैं कि फेस स्पेस में पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम जो पार्टिकल्स हैं उनको ऐसे मानेंगे कि जैसे ये पॉइंट्स हैं उस तरह के ये पार्टिकल्स हैं और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर आइडेंटिकल हैविंग सम डेफिनेट मोमेंटम एंड एनर्जी और लैंड दे द डेफिनेट स्पेस और पोजिशन साथ में यदि हम ये मान लें कि इन पार्टिकल्स को हमने जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जो फेस स्पेस का वॉल्यूम है फेस स्पेस वॉल्यूम जहां पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो मैंने ये बड़ा वाला स्क्वेयर लिया ये मान लीजिए हमारे पास फेस स्पेस वॉल्यूम है जहां पर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस फेस स्पेस को पहले हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं जब हम कंपार्टमेंट कहते हैं मींस एक जो हिस्सा है एक जो बॉक्स है उसकी कुछ मीन एनर्जी होगी कुछ एवरेज एनर्जी ले लेंगे जिसको आप एनर्जी लेवल या मीन एनर्जी लेवल के हिसाब से हम इसको जो है हाँ वो डिवाइड करेंगे और फिर ये जो मीन एनर्जी लेवल है इसको फर्दर जो है हाँ वो सेल्स में डिवाइड करेंगे मगर वो जो सेल्स होंगी उनका जो साइज है सेल्स ऑफ साइज एच क्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो होता है एच उसके क्यूब के बराबर जो है इसका वॉल्यूम होना चाहिए उससे कम नहीं तो यहां पे आ, हम जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें हम ये मान रहे हैं पहली चीज कि हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं जो ये फेस स्पेस वॉल्यूम है इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट सेकेंड थर्ड इस तरह से इट इज अप टू के जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट है ये सेकेंड थर्ड इस तरह से डिफरेंट साइज के छोटे बड़े कंपार्टमेंट हो सकते हैं पूरे फेस स्पेस वॉल्यूम को हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया उसके बाद जो मीन एनर्जी है कंपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं उनको एनर्जी लेवल के हिसाब से डिवाइड किया है कि मान लो फर्स्ट की एनर्जी मीन एनर्जी E1 है दूसरे की E2 है और इस तरह से Ek दीस आर द मीन एनर्जी ऑफ ईच कंपार्टमेंट फिर हमने क्या किया कि हर एक कंपार्टमेंट्स को सेल्स में जो है हाँ वो डिवाइड किया है दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स जैसे आप देख रहे हैं इसको मैंने पहले से डिवाइड कर रखा है इसको छोटी छोटी सेल्स में जो है हाँ हमने डिवाइड कर दिया जो बड़े वाला बॉक्स है इसको हम कंपार्टमेंट कहेंगे कंपार्टमेंट और ये जो छोटे छोटे हैं बॉक्सेस इनको हम सेल्स कहेंगे और ये टोटल वॉल्यूम जो है ये फेस पीस वॉल्यूम अब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ

कंपार्टमेंट ले लेते हैं मान लो हमने आयत कंपार्टमेंट ले लिया आयत कंपार्टमेंट का मतलब ये फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड कोई भी एक पर्टिकुलर ले लिया जिसका नाम हमने आयत कंपार्टमेंट रख दिया इस आयत कंपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया और सपोज करो इसके अंदर जो है वो जीआई सेल्स हैं और ये जो जीआई सेल्स हैं इन सेल्स के अंदर हमें जो है वो एन आई पार्टिकल्स आइडेंटिकल इनडिस्टिंग पार्टिकल्स जिनको हम यहाँ पे फर्म्यन्स कह रहे हैं पार्टिकल्स को हमने जो है हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ये एक जनरल आइडिया है जो हम एफडी स्टेटिस्टिक्स में जो अप्लाई हाँ करने जा रहे हैं अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स की बात करते हैं कि जो एफडी स्टेटिस्टिक्स है वो किन बेसिक पॉस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है बेसिक पॉस्टुलेट्स जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं एफडी स्टैटिस्टिक्स के उसमें सबसे पहली चीज जो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर इनडिस्टिंग इनडिस्टिंग इनको हम अलग से पहचान नहीं सकते एंड आइडेंटिकल दो शब्द हैं आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वो सारे के सारे पार्टिकल जो है हाँ वो एक जैसे हैं मगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स को भी पहचाना जा सकता है तो उस तरह के पार्टिकल जो आइडेंटिकल हैं मगर उनको हम पहचान भी नहीं सकते तो इनडिस्टिंग indistinguish, इनडिस्टिंगल uh, है और साथ में जो हाँ, है वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उनको हम यहां पे लेंगे दूसरी चीज ये जो पार्टिकल्स होंगे ओवे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है हाँ, वो फॉलो करते हैं और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है कि कोई भी सेल है उस सेल में यदि आप एक सेल ले वन सेल कोई भी ले ले तो उसमें सिर्फ एक पार्टिकल एक ही पार्टिकल हुआ वन पार्टिकल और नो पार्टिकल यहां तो उसमें कोई पार्टिकल नहीं होगा यदि होगा तो मैक्सिम जो है हाँ वो एक ही पार्टिकल जो है हाँ वो हो सकता है और जब हम ये चीज मानते हैं इसका मतलब एफ डी स्टेटिस्टिक्स तभी लग सकती है जब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जी आई दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ सेल जो हैं वो काफी ज्यादा हो इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके मुकाबले यदि सेल्स ज्यादा हो तभी स्टैटिस्टिक्स को जो हम अप्लाई कर सकते हैं इसलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दे आर मच मोर इन कंपेरिजन विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीसरी बेसिक चीज इसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको आप कहते हैं एन वी कैन राइट दिस एन इट इज इक्वल टू सिमिशन दैट इज एन आई कि फर्स्ट में एन वन है दूसरे में एन टू है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री सो ऑन अप टू एन के जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट जबकि मैंने बी स्टैटिस्टिक्स में यह कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ हैं हैं पार्टिकल्स वो फोटो नहीं रहते हैं मगर यहाँ हम ये मानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंट <coughs> हैं और जब पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट होंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज डी एन आई और डेरिवेटिव ऑफ एन इट विल बी इक्वल टू जीरो उसी तरह से जो नेक्स्ट बेसिक एजम्पन है इसकी कि जो एनर्जी होगी मैंने कहा था कि जो कंपार्टमेंट्स हैं, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी मीन एनर्जी तो यहां पे जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की ई दैट इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट की मीन एनर्जी ई वन ई टू थ्री इस तरह से एनर्जी लिखी थी या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज एन आई इन टू ई आई सिस्टम की वो एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट होगी और जब टोटल एनर्जी जो, हाँ वो मतलब that, uh, DNI, तो जो है वो कॉन्स्टेंट होगी इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज एट दैट इज डीएन आई इट इज इक्वल टू जीरो जो डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर हो जाएगा अब हम ये जूम कर लेते हैं कि uh, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम ये यह, यहां पे मैंने पहले बनाया कि स्पोर्स दिस इज द आयत कंपार्टमेंट इस कंपार्टमेंट में जीआई सेल्स हैं और जीआई सेल्स में एनआई पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स को हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम सपोज करते हैं कि मान लो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है यदि हम फर्स्ट पार्टिकल लेंगे तो वो फर्स्ट पार्टिकल जो है हमारे पास टोटल जीआई सेल्स हैं तो ये हो सकता है कि वो फर्स्ट में जाए हो सकता है सेकंड में जाए हो सकता है थर्ड में जाए कहीं पर भी जाए तो इन पूरी जीआई सेल्स में अल्टीमेटली वो किसी एक जगह जाएगा मगर उसके पास जीआई सेल्स हैं, तो मींस उसके पास जीआई डिफरेंट वेज हैं जीआई वेज हैं जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और जब जीआई आई से डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब फर्स्ट में आ सकता है सेकंड में थर्ड में फोर्थ में तो इतने तरीके हैं जहां वो जा सकता है मगर फिर भी अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं किसी बॉक्स में जब चला जाएगा तो उसके पास उसके बाद हमारे पास जी आई माइनस वन इतनी सेल जो है हाँ, वो वेकेंट रह जाएगी कहने का मतलब जितनी टोटल सेल्स हैं इसमें किसी न किसी एक सेल में चला जाएगा और उसके बाद एक माइनस करके इतनी सेल जो है हमारे पास वेकेंट रहेगी जब हमारे पास सेकेंड पार्टिकल आएगा अब एक सेल तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है हमारे पास खाली कितनी है जी आई माइनस वन तो उसके पास जी आई माइनस वन वेज है इतने तरीके हैं इतनी जगह पे बुझा सकता है और जब ये भी भर जाएगा तो सेकंड पार्टिकल मतलब दो cells भर गई और हमारे पास GI -2, इतनी cells जो है वो पासेंट रह गई तो इस तरीके से आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड अपटू एनआई पार्टिकल जो भी है वहां तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं तो इस बात को यदि हम सिमिलर वे में एक्सटेंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है मान लो आउट ऑफ जीआई सेल्स जो है टोटल सेल्स थी जीआई आउट ऑफ जीआई सेल्स हमारे पास जीआई सेल्स हैं और इन जीआई सेल्स में से मान लो कि एन आई सेल्स जो है वो फेड हो गई यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो आ गए इतनी सेल्स जो फिल्ड हो, हो गई तो हमारे पास जी आई माइनस एन आई सेल्स जो है वो खाली रह जाएंगी जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स हैं हमारे पास 100 और 100 में से 10 पार्टिकल आ गए तो 100 में से 10 फील्ड होगी तो 100 माइनस टेन नाइनटीन जो है वो वेकेंट होगी तो इस तरह से जी आई माइनस एन आई जो है वो वेकेंट है अब हम यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बीस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिससे आप पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पहली चीज द जीआई सेल्स अरेंजमेंट ऑफ जी आई सेल्स देमसेल्फ यदि उनको आप अपने आप में परमुटेशन करें तो डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि जी आई सेल्स हैं तो आप जानते हैं जितने पार्टिकल्स या जितनी सेल्स होती है उनकी आपस में परमोटेशन की जाए तो उतने फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो है हाँ वो बन सकते हैं तो जीआई सेल्स हैं तो उनकी आपस में परमोटेशन करें तो जीआई फैक्टोरियल परमोटेशन जो है हाँ वो बन जाएंगी दूसरी चीज इनमें से जो मीनिंगफुल दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी मीनिंगफुल वेज और मीनिंगलेस वेज जो मीनिंगफुल वेज होंगे क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो आ, जितने पार्टिकल्स हैं उनमें से यदि हम बात करें मीनिंगफुल से पहले हम मीनिंगलेस की बात करते हैं मीनिंगलेस वेज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एन आई पार्टिकल्स हैं इसका मतलब और वो सारे पार्टिकल आइडेंटिकल और इनडिस्टिंगल हैं तो जब हम मीनिंगलेस वेज की बात करते हैं तो उन पार्टिकल्स की जो आपस में परमुटेशन होगी एन आई फैक्टोरियल इतनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपस में परमुटेशन है वो मीनिंगलेस होगी उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि भाई जी आई माइनस एन आई सेल्स जो है वो वेकेंट रह गई हैं तो ये जो वेकेंट सेल्स हैं इन सेल्स की जो परमुटेशन होगी जी आई माइनस एन आई परमोटेशन मीन जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल ये भी मीनिंगलेस होगी तो जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में परमुटेशन और जो बेकेंड सेल्स हैं उनकी जो आपस में परमुटेशन होगी इट विल बी मीनिंगलेस डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ये कहते हैं कि वे मीनिंगफुल यदि हम मीनिंगफुल वेज निकालना चाहें कितने मीनिंगफुल हैं तो हम ये लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज जो टोटल नंबर ऑफ वेज है इट इज डिवाइड बाय मीनिंगलेस इट इज डिवाइड बाय मीनिंगस वेज तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उसको यदि हम लिखना चाहें मैंने फर्स्ट में कहा इट इज जी आई फैक्टोरियल टोटल ओवरऑल जो बनता है इट इज जी आई फैक्टोरियल परमुटेशन है और इसमें से जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं एन आई फैक्टोरियल उनकी आपस में परमुटेशन और जो वेकेंट सेल्स हैं उनकी जो आपस में परमुटेशन होगी ये मीनिंगलेस होगी तो ये टोटल अपॉन मीनिंगलेस इसको हम जो है वो मीनिंगफुल <coughs> वेस जो है वो टोटल बनते हैं। इस चीज को हम थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और इसी को यदि हम अलग अलग सेल्स के लिए एक्सटेंड करना चाहें तो एक तो टर्म हम यहां लिख देते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उसको हम W से लिखते हैं ऑफ द माइक्रो माइक्रोस्टेट एन वन एन टू एन थ्री मान लो फर्स्ट में एन वन पार्टिकल है फिर एन टू है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे जैसे एन वन की बात करेंगे तो वन आ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज जी वन आई की जगह वन जी वन फैक्टोरियल यहाँ पे इट इज एन वन फैक्टोरियल और ये हो गया जी वन एन वन फैक्टोरियल जब सेकेंड की बात करेंगे तो इट इज जी टू फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एन टू फैक्टोरियल इट इज जी जो भी फैक्टोरियल है जी टू माइनस एन टू फैक्टोरियल सो ऑन फिर थ्री के लिए फोर के लिए और लास्ट में इट इज जी के फैक्टोरियल अपॉन एन के फैक्टोरियल इन टू जी के माइनस एन के फैक्टोरियल तो इस तरह से ये जो टोटल जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन सभी को यदि हम कंबाइंड कर दे तो W थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी W इसको हम मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई का सिंबल इस्तेमाल करते हैं पाई i गोज फ्रॉम वन टू के और यहां पे g i फैक्टोरियल अपॉन इट इज n i फैक्टोरियल अपॉन जी माइनस एन आई फैक्टोरियल तो ये एक जनरल जो हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हुआ है ये फॉर्मूला जो है वो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है दिस रिप्रेजेंट द थर्मोडाइनेमिक थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एफ डी स्टेटिस्टिक्स एफडी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप फॉर्मियॉन्स को या पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स की थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बनेगी उसको हम इस एक फॉर्मूले से एक जनरल फॉर्मूले से जो है हाँ वो जनरलाइज करते हैं यही फॉर्मूला जो है वो इज प्रोबिलिटी टू ड्राइव द ड्राइव द फॉर्मी ड्राक एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आज तक आ, ये जो भी मैंने एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में एफडी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो बेसिक पॉस्टुलेट्स और बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप किया है यहाँ तक आप ड्राइव कर ले समझ ले और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आ, आगे जो है वो एक्सटेंड करके एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो ड्राइव करेंगे थैंक यू